हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज डाइक्रोमेट टेस्ट लेके आया हूँ, जो डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टरी अल्कोहल के लिए होता है। तो प्राइमरी अल्कोहल का जो फार्मूला होता है बेसिक R6H2H होता है, और जो 2 डिग्री का होता है वो R2CHOH होता है, और 3 डिग्री का होता है R3COH। तो यहाँ पे डाइक्रोमेट टेस्ट, यहाँ पे आपने लोगों ने लुकास टेस्ट के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन डाइक्रोमेट टेस्ट के बारे में बहुत कम पढ़ा होगा, तो इसको लेके आए हैं। तो यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल होता है। कौन सा डिग्री होता है? 1 डिग्री अल्कोहल। जब हम 1 डिग्री अल्कोहल टेस्ट को H+ यानी कि K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज CrO क्रोमियम +6 के साथ जब आयन के साथ टेस्ट कराते हैं 1 डिग्री अल्कोहल का, तो वहाँ पे एल्डिहाइड मिलता है, और प्लस Cr3+3 आयन मिलते हैं। ग्रीन कलर PPT कलर याद रखना ग्रीन कलर PPT आएगा। आप जब इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको ग्रीन PPT प्राप्त होगा। 2 डिग्री अल्कोहल का जो K2Cr2O7 ऑरेंज कलर के साथ जब कराएंगे 2 डिग्री का, तो वहाँ पे कीटोन प्राप्त होगा। याद रखना 2 डिग्री में कीटोन होगा और 1 डिग्री में एल्डिहाइड होगा। और यहाँ पे भी ग्रीन कलर PPT आपको मिलेगा देखने को। और 3 डिग्री के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो नो रिएक्शन होगी, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, और नो ग्रीन कलर। तो यही था आपका डाइक्रोमेट टेस्ट। आशा करता हूँ, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।